है ना, आलू और मटर का भी सब्जी बनता है ना। कौन कौन खाया है रे? हाँ, और ये क्या चीज है मालूम है? नहीं खाए होगे, इधर मिलता भी नहीं है, मार्केट में मिलता है। ठीक है सर, आते हैं स्कूटी से, आते हैं और हमारे बच्चे को शिक्षा देते हैं। अपने स्कूटी पर ही सब चार्ट वगैरह टांग लेते हैं और पढ़ाते हैं मोहल्ला में या पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और सबको अपना शिक्षा वितरण करते हैं। हमारे बच्चे भी आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, बैठते हैं और कोरोना के बारे में भी जानकारी देते हैं सर कि बच्चों अपना मास्क लगाओ और दूर दूर बैठो, अपना पढ़ाई करो बोलते हैं। अच्छा, जो विकलांग भी हैं क्या सर, कैसे स्कूटी साथ हैं क्या पता? सर पतिराम सर विकलांग भी है दोनों पैरों से, फिर भी अपने पढ़ाई करने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए आते हैं अपनी स्कूटी से और अपना समय देते हैं। दोनों पैरों से विकलांग है सर, फिर भी अपना स्कूटी पर चार्ट टांगते हैं और पूरा घूमते हुए पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आप लोग सब अपने बच्चे को भेजते हो, डर नहीं लगता कि कोरोना है इस टाइप से? तो उसके बारे में भी कुछ बताएं क्या कि सब सुरक्षा कैसे कैसे करना है? सर डर तो लगता है, फिर भी ऐसे करके बताते हैं और भेजते हैं। मैं एक यहाँ का स्थानीय शिक्षक हूँ और दोनों पैरों से विकलांग हूँ, और मेरे मन में आया कि ये कोरोना के कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और मेरे मन में आया कि क्यों ना बच्चों को किसी भी प्रकार से शिक्षा दिया जाए। मेरे मन में आया, इस कारण मैंने अपना स्कूटी को ही शाला बना लिया और बच्चों को संपर्क कर उनको मार्गदर्शन देना, छोटे मोटे अपना शिक्षण कार्य करवाना जहाँ मिले वहाँ, इस प्रकार मैं कर रहा हूँ। गांव वालों का कैसा सहयोग मिल रहा है? गांव वालों का भी सहयोग है, अपने बच्चों को भेजते हैं और जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ाई के साथ साथ क्या कोरोना के बारे में भी गाँव? हाँ, कोरोना के बारे में भी पढ़ाई के साथ साथ हम लोग क्या है, पालक को या ग्रामीण को संदेश देते हैं, जागरूक करते हैं और किस प्रकार इस बीमारी से बचना है, हमें क्या क्या सावधानी बरतना है, किस प्रकार साफ सुथरा रहना है, इस बारे में हम उनको विस्तार से बताते हैं और अच्छा सहयोग है बस्ती वाले का।